अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं हज़रों में मौजूद हूँ सादिक हुसैन भाई के साथ, अल मौरूफ सादिक गुलशन मदीना मार्बल हज़रों। हम सब ने ये आरज़ी ज़िंदगी है, अगली ज़िंदगी की तरफ लौट के जाना है। ये जो काम कर रहे हैं, ये कतबा बनाने का काम किस से सीखा है ये सादिक भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये कतबा बनाने का काम मैंने अपने भाई से सीखा है, और उसके बाद काफ़ी टाइम में मैं पेंडी में भी काम करता हूँ। बेसिकली हम आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, और आज़ाद कश्मीर में हमारी एक और भी शॉप है बड़े भाई की, जो है ना लियाकत मार्बल के नाम से, जो है ना तो उन्हीं से मैंने काम सीखा है, मेरे बड़े भाई हैं वो। और उसके बाद जो है ना पिंडी में काफ़ी अच्छा काम किया है, फिर टेक्सटाइल में इस तरह मतलब करते करते फाइनली यहाँ पे जो है ना अपना सेटअप बनाया। ये काम करते हुए आपको कितना अर्सा हो चुका है? सर ये काम करते हुए मुझे तकरीबन यहाँ पे 20 साल हो गया है, 20 साल का अर्सा हो गया इस इलाका छछ में काम करते हुए। और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे इलाकों में मैंने काम किया है, जैसे कि काजीपुर, हसनपुर, जम्मू बाई, गाजी, कुतुब बांडी, किबला बांडी, मंदरोटा, गोंदल, इधर शादी खान आ जाओ, अलग मला, अबू बकर गाँव हो गया, वैसा हो गया, शमसाबाद हो गया, सर बहुत सारे इतने इलाके जितने जिसमें मैं काम कर चुका हूँ ना, ये सब कस्टमर इंशाल्लाह मेरे पास आते हैं, और इंशाल्लाह डेली भी अच्छी होती है, और इंशाल्लाह काम भी, अल्लाह का शुक्र। इस वक्त तक कितनी कब्रों के कतबे बना चुके हैं? सर तकरीबन इस वक्त में तकरीबन 7 या 8 हज़ार से तकरीबन ज़ायद कम हो पेश जो है ना मैं कतबे बना चुका हूँ, यानी कि मेरी इस वक्त इतनी गिनती में नहीं है जो है ना, लेकिन इससे ज़्यादा होंगे काम नहीं जो है ना। सादिक भाई ये बताएं कि कतबे बनाते वक्त आपके एहसासात क्या होते हैं, क्योंकि हमारी ये मंजिल तो आर्जी है, हमने मोल लौट के असल मंजिल की तरफ जाना है, आपके एहसासात क्या हैं? सर मेरे एहसासात उस वक्त इस तरह होते हैं, बाद ऐसे उनके लवाकिन आते हैं, वो इधर बैठते हैं तो खुद ही बंदे को महसूस हो जाता है, आर्डर लेते लेते भी मैं सोचता हूँ कि कल हमने भी इसी जगह पे जाना है, और जितना हमारे से हो सके हम लोगों के साथ करें, और अपना जायज़ मुनासिब रेट आके तो उस पर आर्डर ले लेते हैं, और अपनी ज़िंदगी के बारे में भी यही मैं सोचता हूँ कि कल हमारी भी यही जगह होगी। इस वक्त तक जो आपने कतबे बनाए वो कहाँ कहाँ जा चुके हैं? सर यहाँ तकरीबन जो है ना ये हैज़रों में भी जा चुके हैं, हैज़रों में भी तो बहुत ज़्यादा गए हैं, उसके बाद गाजी बरोटा हो गया, गाजीपुर हो गया, हसनपुर हो गया, जम्मू बाई, बासिया गाँव, मियाँ डेरी, नगारचियाँ, शिनका, गरगुश्ती, उसके बाद इधर किबला बंडी की साइड पे आ जाएँ, कुतुब बंडी की साइड पे आ जाएँ, और फिर इस इलाके में चला जाएँ खगवानियाँ, ठीक है कि नहीं, सरवाना हो गया, उसके बाद इस साइड पे आ जाएँ गोंदल, मंदरोटा, अजीशा, उसके बाद जो है ना ये शादी खान मला गाँव है, उसके बाद इस साइड पर चला जाएँ आगे पिरजाई, अदलजाई, परेशान चौक, उसके बाद ये पेती, पिरजाई, उसके अब बकर गांव हो गया, और यहाँ पे बहुत सारे मतलब अलग है छाछ के तकरीबन 84 गांव हैं, बल्कि अभी 184 बन गए, सब में काम जाता है। तो बैरून मुल्क भी आपके पास काम जाता है? बैरून मुल्क में अमेरिका में पत्थर गए, इंग्लिश में मैंने बोर्ड तैयार करके दिए, और उसके बाद ज़्यादातर इंग्लैंड में जाते हैं, इंग्लैंड के लोग आते हैं मेरे पास गरगुश्ती से, और उसके बाद मुख्तलिफ़ गाँव से ये शादी खान जो है इधर से भी आते हैं, और इंग्लिश में बोर्ड तैयार करवा के ले जाते हैं, इंग्लिश और उर्दू दोनों में। नाज़रीन ये थे सादिक हुसैन भाई, जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये इंटरव्यू हमारे लिए मकाम इबरत है, क्योंकि कल हमने भी असल मंजिल की तरफ जाना है, और हमारी कब्रों पे भी यही तख्तियाँ लगनी हैं। इसी के साथ मुझे अटक टू न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।